ओम शांति। परमपिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव भोलानाथ पिता मंच पर आसीन हमारे भ्राता जी, हमारी सहयोगी बहने रमा दीदी, हमारी इंदिरा बहन, सीमा बहन और सभा में उपस्थित सभी माताओं बहनों, परमात्मा के नन्हे मुन्ने बच्चे, पहले तो आज के इस पावन पर्व की आप सभी को कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं उस शिव पिता परमात्मा की पावन शिव जयंती कहे या शिवरात्रि कहे का पर्व मनाने के लिए। विचार चल रहा था कि जिस पिता परमात्मा की इतने धूमधाम से हम सभी शिवरात्रि हर वर्ष मनाते हैं, कितना उनका गायन, पूजन, वंदन हम सभी भक्त भी करते आए, उनके नाम से हमने कितने व्रत रखे। सावन महीने में देखे तो पूरे महीना शिव जी का ही होता है, तो जरूर है उस पिता परमात्मा ने भक्त आत्माओं को कुछ दिया होगा जिसकी यादगार में आज हम ये पर्व मना रहे हैं। और शिवलिंग जो हम देखते हैं उसके आंत, नाक, कान, मुख कुछ भी नहीं है, तो ये वास्तव में यादगार है उस परमात्मा पिता के दिव्य स्वरूप का, जिसकी महिमा में रामायण में भी कहा है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, बिन वाणी वक्ता वड़ जोगे। तो वह निराकार शिव पिता परमात्मा जो हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, आज उनकी पावन स्मृति में, उनके दिव्य अवतरण के उपलक्ष में हम सभी ये शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। अब विचार वाली बात है कि सभी का बर्थडे मनाया जाता है, जन्मदिन कहते हैं, अगर शिव की बारात का दिन भी कहें तो भी मैरिज डे कहा जाता है, लेकिन शिव पावा का हम सभी रात्रि मनाते हैं। तो जरूर है उसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य है जिसको रात्रि शब्द कहा गया। तो परमात्मा पिता का अवतरण उस दिन रात से उसका कनेक्शन नहीं है, परमात्मा पिता अज्ञानता के, पापाचार के, दुराचार के, अज्ञान अंधेरी रात में उनका अवतरण होता है, क्योंकि पहले समय में जो भी गलत काम होते थे वो रात के समय होते थे, और घर के कोई बुजुर्ग अगर जग भी जाए तो चोर वगैरह भाग जाते थे, और आज के समय में देखें तो सारे गलत काम दिन दहाड़े हो रहे हैं। तो हमारे बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, घोर अंधेर मचा रखा है। तो अंधकार उस अज्ञानता का कहे, उस पापाचार का कहे, ऐसे समय पर परमात्मा और वह हम मनुष्य आत्माओं की सदृश गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, पर शिव को स्वयं भू भी कहा जाता है, अर्थात स्वयं प्रगटा हुआ, जो सारे सृष्टि का मात पिता है, वो परम शिक्षक है, परम पिता है और परम सतगुरु है। परमात्मा की जो परिभाषा कहें, क्योंकि अनेक भ्रम हमारी बुद्धि में बैठे हुए थे भक्ति के आधार पर अभी तक भी, कि आखिर भी भगवान कहें तो किसको कहें, तो परमात्मा उसी को कहा जाता है जो सर्व
सर्वमान्य हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिवान हो और जिससे हम सर्व रिश्ते जोड़ सके। तो आप देखेंगे ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव, जिसकी हम महिमा गाते हैं, फल फूल सब कुछ चढ़ाते आए। तो एक परमात्मा पिता ही ऐसा है जिसके पूरे भारत वर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंगम बने हुए हैं। हर मंदिर में शिवलिंग जरूर होगा। आप देखेंगे घर में कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं, संगठन में हम भोजन भी करते हैं तो बड़ों को बीच में बिठाते हैं, कोई प्रोग्राम फंक्शन करेंगे तो अपने चीफ गेस्ट को बीच में बिठाएंगे। तो किसी भी मंदिर में आप जाएंगे तो देखेंगे शिव बाबा की मूर्ति बीच में है, बाकी सब देवी देवताएं ऊपर आले में बैठे हुए हैं, लेकिन परमात्मा शिव बीच में है। और हर मंदिर में कहीं ना कहीं ऐसा है कि बनी होगी, और सारे ही देवी देवताओं ने परमात्मा शिव की उपासना की है। ऐसा कहीं कोई मंदिर नहीं होगा जहां परमात्मा शिव ने किसी की पूजा किया हो। वो सर्वोच्च है, सर्वमान्य है। रामचंद्र जी को देखेंगे तो रामेश्वरम में किसका यादगार है? परमात्मा शिव की ही उपासना करके फिर शक्ति लेकर के रावण पर राम ने विजय पाई। गोपेश्वर में देखे तो श्री कृष्ण ने भी परमात्मा शिव से शक्ति लिया, फिर कंस पर विजय पाई। देवियों को भी दिखाते हैं इतने राक्षसों का वध किया, शुंभ निशुंभ मधु कैटभ, कितने राक्षस थे। शक्ति उस परमात्मा शिव से ही लिया, इसलिए वो शिव शक्तियां कहलाई। अन्य धर्मों में भी हम देखेंगे तो गुरु नानक देव ने भी कहा एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, तो इशारा उस परमात्मा शिव के लिए किया। ईसा मसीह को भी मूसा पर्वत पर एक ज्योति का साक्षात्कार हुआ तो कहा परमात्मा ज्योति स्वरूप है, गॉड इज लाइट। तो कहने का भाव है कि सभी धर्मों में उस पिता परमात्मा को माना गया जिसकी स्मृति में हम सभी आज शिवरात्रि मना रहे हैं, और जिसका वर्णन भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, जब जब अति अधर्म बढ़ता है तब तब मैं इस धरा पर आता हूँ, परंतु साधारण वृद्ध तन का आधार लेता हूँ, गुप्त रूप में आता हूँ, और कोटों में कोई उनमें भी कोई विरले हैं जो मुझ गुप्त रूप में आए हुए परमात्मा को पहचानते हैं, मेरी मत पर चलते हैं, वरना यूं ही छोड़ देते हैं। तो जरूर है कि परमात्मा का स्वरूप हम मनुष्यों की सदृश नहीं है। जैसे हम पंच तत्वों का अपना ये शरीर देखते हैं, लेकिन इसको चलाने वाली बहुत छोटी बिंदु सितारा ज्योति स्वरूप आत्मा है, जो देखती है, सुनती है, बोलती है, इस शरीर को चला रही है। तो जैसा पिता होगा वैसा ही उसका बच्चा होगा। तो परमात्मा पिता भी ज्योति स्वरूप है, जो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है, उसको हम अनुभव की आंखों से, दिव्य नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से देख सकते और समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा बिंदु है। अगर इतना बड़ा शिवलिंग ना बनाए तो फूल फल हम उस पर चढ़ा नहीं सकते। तो ये एक यादगार के स्वरूप से है। अब विचार करें कि आज घर में साधारण भी कोई बर्थडे मनाता है तो भी करेंगे, फल फूल रखेंगे, अच्छे अच्छे फूल माला ले जाएंगे, बुके ले जाएंगे। अब आप सोचिए कि परमात्मा शिव के यादगार उनके जन्मदिन पर हम क्या क्या चढ़ाते हैं। ऐसा प्रसाद चढ़ाते हैं जो कहेंगे वो खाया भी नहीं जाता है, क्योंकि परमात्मा इतना भोला है, हम सबका जो पिता है वो हमसे कुछ मांगने नहीं आया है, और हम उसको दे भी क्या सकते हैं। भक्ति में बहुत गाया, तन मन धन सब तेरा तेरा तुझको, लेकिन अभी तक दिया नहीं था। दिया था किसी ने? मन धन सब रोज कहा, लेकिन वास्तव में अगर हमने दिया होता तो आज हल्के होते।
तो परमात्मा कहते बच्चे देखो पुराना हमारा शरीर है, अब आप इसको सेवा में लगाओ, इससे अच्छे कर्म करो। मन जो हमारा भटका हुआ उलझा हुआ परेशान है उस मन को मेरे में लगा दो, तो मैं मन को सुमन बना दूं, तन को कंचन काया बना दूं, और विनाशी धन है जो हमारे साथ नहीं जाएगा उसको भी श्रेष्ठ शुभ कार्य में सफल करो, क्योंकि कहा गया अपने हाथ जगन्नाथ। तो अपने जीते जी जो हम कर लेंगे वो हमारे साथ जाएगा, और परमात्मा पिता हमारे अंदर की कमी कमजोरियों को लेने आया है, क्योंकि कईयों को भय रहता है कि ब्रह्मा कुमारियाँ सबको छुड़वा देती हैं। वास्तव में परमात्मा वो चीज़ नहीं छुड़वाता है, वो चीज़ें लेता है जो हमें दुख दे रही है। जब परमात्मा का सृष्टि पर अवतरण हुआ तो सारी सृष्टि पांच विकारों की आग में जल रही थी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो परमात्मा हमारे अंदर की इन बुराइयों को कहते हमें दान कर दो। काम विकार जो गंदी अशुद्ध कामनाएं हैं, परमात्मा ने कहा उसको शुभ भावना शुभ कामना में परिवर्तन करो। क्रोध अग्नि को शांति और शीतलता से जीतो, लोभ को ईश्वरीय ज्ञान धन का लोभ रखो। कितना हम ज्ञान रतन इकट्ठे कर ले तो हमारी जीवन समृद्ध बन जाए। मोह को परमात्मा ने कहा स्नेह से जीतो, क्योंकि बुराइयां छोड़ना कठिन है लेकिन नई चीज धारण करना आसान होता है। किसी बच्चे के पास टूटा हुआ खिलौना भी होगा वो नहीं देगा, अगर आपको लेना हो उसको दूसरा नया दिखा दो तो अपने आप छोड़ देगा। तो भले हम इन बुराइयों के वशीभूत होके रो भी रहे हैं दुखी भी हैं लेकिन हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, उसी में जी रहे हैं। कहते बहन जी बिना गुस्सा के बच्चों की पालना कैसे करें, लोभ नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे। तो माना हर चीज के लिए हमारे पास ऑप्शन भी है और छोड़ना भी नहीं चाह रहे दुखी भी हैं। तो परमात्मा कहते इसकी जगह मैं गुण शक्तियां तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक स्थान खाली नहीं होगा तो मैं नया भरूंगा भी कैसे। तो अहंकार भी करना है तो शुद्ध अभिमान रखें, मैं त्रिलोकीनाथ परमात्मा का बच्चा हूँ। और ये सारे भूत भागेंगे कैसे, कहते जहाँ अंधेरा होता है वहां भूतों का निवास होता है। जिस घर में जिस मंदिर में बहुत काल से दीपक न जला हो वहाँ कौन रहने लगता है, भूत रहने। ये परिपाटी है, आज भी लोग उसको मानते हैं। कहीं भी बाहर जाएंगे कहेंगे हमारे घर में एक बल्ब ही जला देना, अंधेरा नहीं रखना। हम बाहर जा रहे हैं हमारे मंदिर में दीपक जला देना, और दीपक कहीं बुझ जाए तो कहेंगे कोई अनिष्ट हो जाएगा। तो वास्तव में वो प्रतीक है हमारी आत्मा की ज्योति का। तो अंधेरा मिटाने के लिए जरूरत है केवल एक ज्योति जगाने की। तो उस महाज्योति परमात्मा से हम सभी अपनी आत्मा की ज्योत जगाएं, उसके यादगार में आज के दिन जागरण भी करते हैं। तो परमात्मा कहते सदा ही जागृत अवस्था में रहो, कभी भी माया पांच विकारों का अटैक हमारे ऊपर हो सकता है। तो इन को कहा माया है, संपत्ति माया है, घर परिवार माया है, वास्तव में वो माया नहीं है। धन संपत्ति तो समृद्धि की निशानी है, लक्ष्मी जी से और ही धन मांगते। घर परिवार सतयुग में भी था लेकिन वहां ये पांच विकार नहीं थे, घर परिवार संभालते हुए भी बुद्धि न्यारी और प्यारी थी। तो परमात्मा पिता आकर के हमारे जीवन को कमल पुष्प समान बनाने आया है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उसे डिटैच रहता है, उसका पूरा घर परिवार कमल लाल डंडे पत्ते आप देखेंगे सब कीचड़ में है और फूल ऊपर खिला हुआ है। इसलिए रुद्राभिषेक भी करेंगे तो कमल का फूल जरूर शिव जी पर चढ़ाएंगे। तो परमात्मा पिता आकर के जो हमें शिक्षाएं दे रहे हैं उनको हमने जीवन में न धारण करके उसके प्रतीक रूप में उन चीजों को चढ़ा दिया।
शिव बाबा ने कहा बच्चे अपने मन के वैर भाव को चढ़ा दो, क्योंकि बेर चढ़ाना तो आसान है, और कोई घर में आएगा या कोई को बात होगी, जन्मदिन भी ये कहेंगे कुछ नहीं तो गुलगुले ही पांच बना, लेकिन मीठा जरूर बनाओ। और शिव बाबा पे क्या चढ़ाया, गन्ने की गड़ेरी चढ़ा दिया, और पूरा गन्ना भी नहीं चढ़ाते, गन्ने की गांठ चढ़े हैं। आप विचार करो, घर में कोई आपके आए और गन्ना खिलाओ तब तो ठीक भी है, लेकिन गांठ क्यों खिलाई, गांठ तो करछाती है। तो कहा पता नहीं शिव बाबा को कौन सी मिठाई पसंद हो तो गन्ना ही चढ़ा दो। गन्ना सभी मिठाइयों का स्रोत है, गन्ना ना हो चीनी ना बने, और चीनी ना हो तो मिठाई कैसे बने। लेकिन देखिए पहले जमाने में माताएं बहनें हमारी पढ़ी नहीं होती थी तो डायरी तो लिख नहीं पाती थी, तो वो अपने पास पल्ले में क्या करती थी, गांठ बांध लेती थी। कोई बात याद करनी हो तो गांठ बंधी है, जब जब हाथ पड़ेगा तो याद आएगी ये गांठ क्यों लगाई। किसी से लड़ाई भी होगी तो भी क्या कहेंगे, हम गांठ बांधते आज के बाद आपसे हाँ बात नहीं करेंगे। तो परमात्मा कहते वो गांठें खोलो तो आपका जीवन मधुर मिठास से भर जाएगा, तो घर आपका स्वर्ग बन जाएगा। अब देखिए घर में कोई आपके खाना भी खाने आए तो तीन रोटी एक साथ नहीं परोसेंगे, तीन मिठाई नहीं देंगे, कहेंगे कम है तो दो दे दो, ज्यादा है तो पांच रखो। लेकिन शिव बाबा पे ढूंढ के तीन ही बेल पत्र चढ़ाया, क्यों, परमात्मा से कोई हमारी दुश्मनी है, सोचने वाली बात है कि शिव बाबा पे तीन ही बेल पत्र क्यों चढ़ाई। तो वास्तव में वो प्रतीक है, परमात्मा त्रिलोकी है, त्रिकालदर्शी है, और परमात्मा शिव बाबा जब आते हैं तो सारे अशुभ अनिष्ट जो होने वाला है उसको भी शुभ बना देते। आज घर में पंडित जी भी आएंगे तीन ही वरदान देते, कहेंगे आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, आपको एक और दे दो नहीं तो अपशगुन हो जाएगा, वो तीन ही देते। तो यहाँ तीन शुभ है, दुनिया में कहेंगे तीन अशुभ है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन परमात्मा कहते देखो मैं आ करके तुम्हारे जीवन में कोई भी गलत बात हो जो तुम्हें लगता हो ये अशुभ हो गया अनिष्ट हो रहा है वो तुम दिल की बात मुझे सुना दो, क्योंकि वो दिलाराम है, हमारे दिल की बात सुन करके हमें आराम देने वाला, सारी दुनिया के झगड़े मिटाने वाला, सारी दुनिया को सुख शांति देने वाला। तो उनके कर्तव्य वाचक अनेकों नाम है, लेकिन परमात्मा जो स्वयं उद्घाटित असली नाम है शिव माना ही कल्याणकारी, इसलिए कहते सदा शिव। परमात्मा शिव सत्यम शिवम सुंदरम है। आ दुनिया में भी क्या कहेंगे, घर में भी बात होगी, भले हम झूठ बोलें दूसरे से, लेकिन हम क्या चाहते हैं, कहते कोई झूठ बोलता मुझे बहुत गुस्सा आती, हमें सच्चाई सफाई पसंद है। तो परमात्मा शिव सत्य है, और जो हमारे हित की कल्याण की बात चाहता है वो हमें सदा प्यारा लगता है। तो परमात्मा शिव कल्याणकारी भी है, और दुनिया में जितनी भी सुंदरता आप देख रहे हैं वो विनाशी है, चाहे रूप रंग की हो, चाहे मकान की हो, किसी भी चीज की प्रकृति की सुंदरता हो, वो सब विनाशी है, लेकिन परमात्मा शिव सदा जागृत ज्योति, सदा शिव, सदा ही सुंदर है। तो सत्य भी है, कल्याणकारी भी है, और अप्रतिम सुंदर भी है, और वह हमारे पिता है। और शिव बाबा पे हम क्या चढ़ाते आए, भांग धतूरा चढ़ाएंगे। तो भांग धतूरा कहते धतूरा कड़वा होता है, बहुत कटीला फल, खा के बौरा जाए मनुष्य। तो परमात्मा कहते जो आज देह अभिमान के वशीभूत, क्रोध का नशा, काम विकार का नशा, लोभ का नशा, वह तो जीवन भर नहीं उतरता है, तो ये हमको चढ़ा दो। भांग का नशा पिया फिर भी ठीक हो जाएगा, धतूरा खा के फिर हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये नशा जीवन भर चढ़ा रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कहो केस भी चलते रहे कोर्ट कचहरी में, वो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है।
तो परमात्मा पिता इतना प्यारा भोला है कि हम बच्चों के अंदर की इन कमियों को लेने आया। फिर आपने देखा होगा कि शिव और शंकर दोनों एक साथ मिला दिया। वास्तव में आप देखें तो प्रतिमा भी दोनों की अलग अलग है। शंकर जी को सदा तपस्वी मूरत दिखाते, बाघम्बरी पर बैठा हुआ, कहते गंगा का अवतरण शंकर जी की जटाओं से हुआ, सिर पर चांद भी दिखाया, त्रिशूल भी दिखाया। तो वास्तव में वह निशानी है। दोनों मिला देने के कारण पिता और पुत्र को आज परमात्मा पिता की महिमा कम होती गई। वास्तव में दोनों अलग अलग है। पिता है कल्याणकारी है और शंकर जी को दिखाते हैं विनाशकारी। वो पुत्र है, हमेशा वो उपासना कर रहे हैं अपने भी पिता परमात्मा की। कई जगह आपने देखा होगा शिव जी की प्रतिमा हाथ में लेकर के शंकर जी ध्यान कर रहे हैं। तो शिव हमारे पिता और शंकर हमारे, वो उनके पुत्र है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन रेखाएं भी दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के रचयिता और बीच में बिंदु है। उन तीनों का भी पिता परमात्मा शिव। तो कहेंगे शंकर जी को गुस्सा बहुत आता था लेकिन जल चढ़ाया शिवलिंग पर, तो वो यादगार है, स्मृति का स्वरूप है। परमात्मा पिता कहते बच्चे देखो टेंशन में तुम हो, क्रोध तुम्हें आ रहा है, मन किसका अशांत है? हमारा। और जल किस पर चढ़ाया? शिव बाबा पर। और खाली जल नहीं, 5% दूध होगा और 95% पानी है, मिला के चढ़ाया। घर में दूध वाला आएगा तो कहेंगे प्योर दूध चाहिए, शुद्ध दूध चाहिए, और शिव बाबा पे क्या चढ़ाया? मिला करके। और जितने आएंगे सब लोटी चढ़ाएंगे। आप विचार करो, किसी के पिता को बहुत क्रोध आता हो और 5-6 उनके बच्चे हों, सब नहा नहा के आए और पिताजी के ऊपर एक एक लोटा जल चढ़ा दे, क्या होगा? क्या गुस्सा नहीं करिए? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? तो शिव बाबा ने कहा बच्चे क्रोध तुम्हें आ रहा है, मन तुम्हारा अशांत है, तो तुम अपने ऊपर इस ज्ञान की लोटी चढ़ाओ, अपने स्वस्वरूप को याद करो कि मैं शांति के सागर पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, ये लोटी चढ़ाओ। मैं प्यार के सागर शिव पिता परमात्मा का बच्चा, प्रेम स्वरूप आत्मा, ये लोटी कहा। और ऊपर एक घट लगा रहेगा, दिन भर उसमें से पानी टप 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 टपकता रहता है। तो परमात्मा कहते केवल एक बार आश्रम पे आने से आपका मन शांत नहीं होगा, क्योंकि शांति हमें सारा दिन चाहिए। तो सारा दिन ये स्मृति में रहे कि मैं शांति के सागर परमात्मा का बच्चा हूँ, क्योंकि मन बिना सोचे तो रह नहीं सकता है। तो उसको हर समय हमें हर गुण को याद करना है। शांति के सागर, सुख के सागर, प्यार के सागर, करुणा के सागर पिता का बच्चा हूँ, तो हमारे मन की अशांति, हमारे मन का दुख खत्म हो जाएगा। क्योंकि सुख शांति का स्रोत केवल केवल एक परमात्मा पिता ही है। किसी भी दुकान में आप जाएंगे, किसी भी बिग मॉल में जाएं, आपको भैया 1 किलो शांति दे दो, कहीं शांति नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा सुख दे दो, कहीं सुख भी नहीं है। क्योंकि सुख शांति का स्रोत वही है। जब मन अशांत होता है तो हम सबकी नज़र कहाँ जाती है? ऊपर ही जाती है। तो हमारा पिता है, जब तक हम उनसे बुद्धि का रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। तो ये यादगार है उस परमात्मा पिता से रिश्ता जोड़ने की। लेकिन हमने स्थूल रूप सब ले लिया। इस दिन व्रत भी रखेंगे तो व्रत माने ही होता है प्रतिज्ञा करना। तो काहे का व्रत रखा? कि आज हम अन्न नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, खारा होता है, लेकिन खार खाए बैठे लड़ेंगे जरूर। परमात्मा कहते बच्चे व्रत रखना ही है, तो अपने आप से ये संकल्प करो। क्योंकि आज का देखो शरीर सबके बीमार है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो संपूर्ण स्वस्थ हो और बिना दवाइयों के चल नहीं रहा है। चलो खाना नहीं खाएंगे डॉक्टर रहेगा, लेकिन शरीर कमजोर होने के कारण भोजन नहीं किया
तो सारा दिन हम इरिटेट होते रहेंगे, बाद बाद में चिड़चिड़ा रहे, तो घर वाले भी क्या कहेंगे, अरे इसे तो खाना खा लेती, गुस्सा भी कर रही हो, व्रत भी हो, भगवान भी खुश नहीं होगा। तो उस दिन हम व्रत रखें और पूरा साल रखें, अभी भी प्रतिज्ञा किया, तो अपने आप से ये व्रत रखें, आज मैं सारा दिन खुश रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज सारा दिन शांत रहूंगी, तो घर वाले भी खुश कहेंगे हाँ ये व्रत तो अच्छा है, बच्चे भी खुश कि आज मम्मी गुस्सा नहीं करेंगे। तो परमात्मा ने वो व्रत कहा, इसको उपवास भी कहते हैं, उपमाने निकट, वास माने रहना। अब जिसके नाम से हमने व्रत रखा उसके पास तो बैठे ही नहीं, परमात्मा कहते सारा दिन बुद्धि से मेरे पास बैठो, मुझे अपनी बातें सुनाओ, दुनिया वालों को हम सुनाते आ रहे हैं, और जिसको भी अपने दिल की कोई बात आप सुनाएंगे, क्या कह के सुनाएंगे कि आपको हम अपना समझते हैं इसलिए अपनी सब दिल की बात आपको हमने सुना दी है, लेकिन आप क्या नहीं करना, किसी को सुनाना नहीं, मैंने आप ही को अपना समझा है। तो आपने अपने दिल की बात अपने तक नहीं रख पाई, हमारे अपने पेट में हजम नहीं हुई, हमने दूसरे को सुना दी, अब उसको क्या हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, आपकी सुन लिया वो क्या करेगा, उसकी भी कोई सखी हो उसको भी यही बोलेगी कि आपको मैं अपना समझ के देखो दिल की बात सुना रही हूँ। तो करते करते क्या हुआ, सबके पास वो बात पहुँच गई, और लास्ट में जब आपके कि हमने आपको बहुत विश्वास रख करके सुनाई थी बात और आपके पेट में हजम नहीं, आपने सबको सुना दिया। तो परमात्मा पिता कहते बच्चे तुम अपने दिल की सारी बात मुझे सुनाओ, क्योंकि वो दिला राम है, तो दिल से हमें उसे याद करना है कि वह मेरा बाबा है, वो शिव भोला नाथ है, क्योंकि परमात्मा को याद दिमाग से नहीं करना है ना। लोग क्या कहते हैं, हम भी शिव बाबा को मानते, बहन जी गए थे, आज शिवरात्रि थी, हम फल फूल सब चढ़ाए हैं, हमने भी व्रत रखा है, माथे पे चंदन का टीका भी लगाया है, सब कुछ किया है, नहीं होगा उसका कहना मानेंगे तब वो खुश होगा, वो हमें याद दिलाता है बच्चे ये जो पांच विकार तुम्हारे अंदर आए हैं उसका मूल कारण है देह अभिमान, और हम देह हैं, जब पिता भी देह से न्यारा तो हम भी उस देह से न्यारी चेतन शक्ति आत्मा है, तो ये आत्मा का दीप जलाओ, आत्म ज्योति जगाओ, उसी का यादगार देखो, अभी सबने वह ज्योति जलाई मंदिर, तो ये शरीर मिट्टी का और उसमें जलता हुआ दीपक आत्मा है, तो उस महाज्योति परमात्मा से अपने बुद्धि का योग लगाएं, दिल से कहें मेरा बाबा, क्योंकि शिव बाबा को दिला राम कहा है, दिमागा राम नहीं कहा है, तो दिल से जब हम उसको याद करते, ये उसकी शर्त है, मौके पर मतलब पे याद नहीं करना, हर पल उसको याद करना, क्योंकि वो सारे देवी देवताओं का, संत महात्माओं का, ऋषि मुनियों का, सबका वो पिता है, तो हमारा भी कौन हुआ, हमारा भी वह पिता है, और उसकी प्रॉपर्टी है सुख शांति आनंद खुशी प्यार पवित्रता शक्ति, जो हम मांगते आए कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, हाँ लड़ने की शक्ति नहीं चाहिए, मन का विश्वास कमजोर होना, तो मन हमारा शक्तिशाली तभी बनेगा जब उस मन को उस परमात्मा से लगाएंगे। और वह पिता रहता कहाँ है, क्योंकि इसके विषय में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि परमात्मा शायद कण कण में रहता है, हम में राम तुम में राम, जहां देखो वहां राम, हाँ या मंदिरों में है, लेकिन स्थान बताया पूरा चांद सितारे देखते हैं, उससे भी पार सूक्ष्म वतन, उससे भी पार वो लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया है, जिसका गीता में भी वर्णन है कि हे अर्जुन परमात्मा का निवास स्थान वहाँ है जहाँ सूरज चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुँच सकता, वह लोक परमात्मा के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है। तो
उस परम धाम मुक्ति धाम शिव लोक में वह परमात्मा पिता रहते हैं, और वहां जाने के लिए परमात्मा ने बहुत अच्छा हमें विमान भी दिया है। सभी जाना चाहेंगे, कोई दुख आता कहते ऊपर वाला भी नहीं सुन लेता है, सब अच्छे हैं, अच्छों को ऊपर वाला भी पूछ लेता, हमको वो भी नहीं पूछता है। तो अब मैं इस धरा पर आ गया हूँ आप सब बच्चों का दुख दर्द मिटाने, दुनिया में मैं ले चलूंगा जहाँ दुख दर्द का कोई नाम ही नहीं होगा। तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ आया है, लेकिन उसके लिए उसने कहा दिल से मुझे याद करो, बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। तो आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां मन और बुद्धि संस्कार। तो मन और बुद्धि के विमान पर बैठकर हम उस परम धाम ब्रह्मांड शिव लोक उस मुक्ति धाम में पहुंच सकते हैं। तो परमात्मा ने जिसका गीता में भी कहा है कि कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना, क्योंकि परेशान मन है। तो उस मन को उस परमात्मा में लगा दो और हाथों से कर्म करते रहो, वो कुछ भी छुड़वाने नहीं आया है, केवल जो हमारे अंदर ये पांच खोटे सिक्के हैं बस वही लेने आया। इसलिए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की फीस भी कौन सी है, यही पांच खोटे सिक्के और एक आना। शिव बाबा कहते बच्चे एक बार शिव बाबा के घर रोज आना है, और हमने कितने घंटे बजाए होंगे मंदिरों में, जब मंदिर में जाएंगे पहले घंटा बजाएंगे, और कितने घंटे हमने चढ़ाए। एक देवी का नाम घंटा देवी, कई जगह देखते घंटे वहां दान कराते हैं बंधे रहेंगे। तो शिव बाबा ने कहा बच्चे बहुत घंटे चढ़ाए, बहुत घंटे बजाए, अब 24 घंटे में से एक घंटा मेरे लिए निकालो। तो प्रतिदिन हम शिव बाबा के घर बाबा आकर के एक घंटा अपने लिए निकालें तो हमारा जीवन कैसा बन जाए, जिसको जीवन कहा है। जियो वन माने एक के साथ जियो, क्योंकि जितने नाते रिश्ते हम देख रहे हैं वो हमारे सब देह से संबंधित हैं। जब तक आत्मा उसमें बैठी हुई है तब तक हमारे सर्व रिश्ते हैं, और जैसे ही आत्मा निकल जाएगी तो क्या होगा। तो ये नाशवान शरीर है, इसको चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा और उसका पिता परमपिता परमात्मा, जो हमारा सर्व संबंधी है। जो रिश्ता आप उससे जोड़ना चाहें, उसकी महिमा में कहा है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो हर रिश्ते से हम उस पिता परमात्मा को याद करें तो वो बंधा हुआ है हमारे सर्व दुखों को छुड़ाने के लिए। तो आज के इस पावन पर्व पर महाशिवरात्रि, तो हिंदी महीने के अनुसार आप देखेंगे अपना नया साल होली से शुरू होता है, उससे थोड़ा सा पहले परमात्मा शिव का अवतरण इस सृष्टि पर होता है, और जिसका गायन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब इस सृष्टि पर अधर्म पापाचार बढ़ता है तब तब मैं इस धरा पर आता हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा यहाँ सदा नहीं रहता है, उसका निश्चित समय है और वर्तमान का अंतिम समय चल रहा है। आप देखें तो हर चीज का बाजार गरम है, पापाचार दुराचार, लेकिन जीवन में सदाचार नहीं है। आज पूंजीवाद साम्यवाद कितने वाद, लेकिन दिल से आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं। ऐसे समय पर शिवपिता परमात्मा आते हैं और आकर के अपनी प्रॉपर्टी हम बच्चों को देने आया, जैसे वह अविनाशी है तो उसकी प्रॉपर्टी भी अविनाशी है। वह हमें सच्चे सच्चे मन का सुख, सच्चे मन की शांति, आनंद, खुशी, प्यार, पवित्रता, अष्ट शक्तियां सब कुछ देने आया, और भविष्य नई स्वर्णिम दुनिया की स्थापना शिव बाबा हम बच्चों के सहयोग से ही कर रहा है।
और शिव बाबा कहते बच्चे केवल थोड़ा सा तुम मुझे मदद दे दो। कभी नहीं सोचा होगा भगवान हमसे मदद मांगेगा। आज हम सब परमात्मा के सहयोगी बने, स्व परिवर्तन करो। केवल अपनी अपनी जिम्मेवारी हम ले ले कि कितना भी परिस्थिति आएगी लेकिन मुझे खुश रहना है, गुस्सा नहीं करना है। अगर एक चुप रहे, गुस्सा ना करे तो अगला क्या करेगा? अपने आप चुप हो जाएगा। कहे हम रोज गुस्सा करते तो कुछ बोलते ही नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा? एक शांत हुआ तो दूसरा। तो एक एक के दीपक जलाने से, एक एक के परिवर्तन से घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। और सभी ये धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन करें तो सारी दुनिया ही स्वर्ग बन जाए। और हम यही चाहते हैं कि फिर से वह राम राज्य आए तो परमात्मा पिता जो सारे विश्व का बापू जी है, तो वो आकर के सचमुच उस राम राज्य स्वर्णिम दुनिया को लाने वाला है और हम सब बच्चे उसका सहयोगी बने। हमें दूसरों को नहीं देखना है, क्योंकि जब हम दूसरों की कमियां सुनाते हैं तो एक उंगली सामने वाले की तरफ होती है, चार किधर है? अपनी तरफ है। तो उसके अंदर एक गुना कमी और हमारे अंदर चार गुना कमी हो गई। तो परिवर्तन पहले किसको करना होगा? क्योंकि सारे तनाव की जड़ है हम दूसरों की कमियां कमजोरियां देखते हैं। ये सारी कमी कमजोरी अब मेरे ऊपर अर्पित कर दो, तो जो सारी दुनिया का बोझ उठाने वाला, सबकी चिंता हरने वाला, क्या हमारा बोझ नहीं उठाएगा? तो आज के इस पावन पर्व पर शिव बाबा को अपने मन के सारी दुख अशांति जो बोझ है सब आज अर्पित करके जाएं और शिव बाबा से ये वरदान लेकर के जाएं, क्योंकि परमात्मा से हमने मांगा ही वरदान। तो आशीर्वाद वरदान कब मिलेगा? शिव बाबा कहते अपने ऊपर कृपा करो। हम भगवान से कहते कृपा करो, लेकिन शिव बाबा कहते करो। तो हम करेंगे परिवर्तन स्वयं का, अपने जीवन से अपने आप से प्यार करना सीख लें कि हमें क्रोध नहीं करना, हमें शांत रहना है, खुश रहना है, सबके साथ प्यार से चलना है। हमारे परिवर्तन से यह संसार फिर से स्वर्णिम संसार बन जाएगा। तो वास्तव में ये यादगार पर्व महाशिवरात्रि इसीलिए कहा, क्योंकि सभी देवी देवताओं संत महात्माओं से भी श्रेष्ठ सबका पिता। तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक कहे निमंत्रण भी है। जो भी नए आए हैं अपना समय एक घंटा अवश्य दें बाबा के घर आश्रम पर आकर के। 7 दिन का कोर्स यहाँ कराया जाता है, तो अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाएं जो घर घर हमारा स्वर्ग बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।